अगली खबर रीवा जिले से है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सड़कों को लेकर। रीवा जिले में इन दिनों सड़कों का हाल बेहाल है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक रास्ते जर्जर हो रहे हैं। आए दिन शिकायत मिलने के बाद भी प्रशासन इन मार्गों की सुध नहीं ले रहा। गत दिवस पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल रीवा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जर्जर हालत की जिम्मेवार स्वयं जनता है, जो उन्होंने ऐसे निकम्मे जन प्रतिनिधियों को चुना है और जो क्षेत्र में जाते ही नहीं है, तो उन्हें दर्द कैसे महसूस हो। दरअसल चौराहटा, रौसर, निपनिया के साथ साथ शहर से लगे हुए कई ग्रामीण क्षेत्र और कई शहर के मोहल्लों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विगत दिनों आक्रोश व्यक्त किया था। दुर्दशा तो है, यहाँ के जो हमारी रीवा जिले की जो जनता है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि चुनने में कमजोरी तो की है, और जिसकी वजह से आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाते नहीं हैं, ना सुख में शामिल होते, ना दुख में शामिल होते, और गांव के लोग बहुत परेशान हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसी के लिए तो बनी थी। आपका मनरेगा योजना इसी के लिए था कि गांव-गांव में काम भी हो, डेवलपमेंट्स भी हो और लोगों को रोज़गार भी मिले। पर सारी योजनाओं को पलीता लगाने का काम किया है, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे RTE हो, आपका गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षा गारंटी कानून लागू किया, आज उसकी भी क्या स्थिति है। तो आज जितने भी कांग्रेस सरकार ने भू अधिग्रहण कानून सबको इनने जो है ना तहस नहस कर दिया। ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हैं, और निजात पाने का एक ही तरीका है कि अब बदल दो, अब इनको बदल दो, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनो। जनप्रतिनिधि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेके चलती है और सबके लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी विकल्प है और कोई विकल्प नहीं। Thank you.